कोई विरोध नहीं है, जो करने वाले हैं कुछ कांग्रेसी हैं, ऐसा कोई विरोध कहीं नहीं है, यहाँ कोई विरोध है क्या बताओ? और सर जो किसान विरोध कर रहे हैं वो किसान है, क्या करना चाहेंगे आप? मैंने कहा कि कौन किसान नेता विरोध कर रहा है, कहाँ कोई ऑर्गेनाइजेशन विरोध कर रही है। अब कोई आप अपना ये माइक छोड़ के और किसानी झंडा हाथ में लेकर के विरोध करोगे तो उससे आप किसान हो जाओगे। किसान तो मैं भी हूँ, आप गेस्ट गैदर ने भी कहा है कि हमने विरोध नहीं किया, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, तो तर्क वितर्क होना चाहिए, कोई विरोध। सर अमित चौटाला जी आपको गद्दार कहते हैं, क्या कहना चाहिए आपको? कुछ नहीं कहूंगा, मैं उनसे यही कहूंगा कि भगवान परमपिता परमात्मा उन्हें सर्वोत्तम। मैंने क्या कहा, मूल जड़ पेड़ और टहनियां मजबूत होनी चाहिए, पत्ते तो आते जाते रहते हैं। मूल जड़ मजबूत है, पेड़ मजबूत है, टहनियां मजबूत हैं, पतझड़ है चुनाव का, उसमें पत्ते आते और जाते रहते हैं। हम ज्यादा सीटें हरियाणा में जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी जा रही है, मैं बड़े विश्वास से कह रहा हूँ। बीजेपी की जड़ें उखड़ने वाली हैं हरियाणा, बीजेपी के काम को हम क्यों लेके जाएंगे? इससे पहले जो है हमने खुद काम कर रखे, हमने बीजेपी का क्या लेना है? दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं सर 150 सीट आएगी बीजेपी की, इससे पहले तो कभी इस तरह के कोई बयानबाजी सामने नहीं आती। हाँ तो अब हम विपक्ष की जिम्मेवारी निभा रहे हैं, मैं मानता हूँ 150 से 200 में सिमट जाएगी बीजेपी। अभी मेरी यूपी में कुछ लोगों से बात हुई, यहाँ वेस्टर्न यूपी में साफ हो जाएगी बीजेपी, ऐसे ही हरियाणा के अंदर भी इक्का दुक्का सीट तक सीमित रह जाएगी। कोई विरोध नहीं है, जो करने वाले हैं कुछ कांग्रेसी हैं, ऐसा कोई विरोध कहीं नहीं है, यहाँ कोई विरोध है क्या बताओ? और सर जो किसान विरोध कर रहे हैं वो किसान है, क्या करना चाहेंगे आप? मैंने कहा कि कौन किसान नेता विरोध कर रहा है, कहाँ कोई ऑर्गेनाइजेशन विरोध कर रही है। अब कोई आप अपना ये माइक छोड़ के और किसानी झंडा हाथ में लेकर के विरोध करोगे तो उससे आप किसान हो जाओगे। किसान तो मैं भी हूँ, आप गेस्ट गैदर ने भी कहा है कि हमने विरोध नहीं किया, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, तो तर्क वितर्क होना चाहिए, कोई विरोध। सर अमित चौटाला जी आपको गद्दार कहते हैं, क्या कहना चाहिए आपको? कुछ नहीं कहूंगा, मैं उनसे यही कहूंगा कि भगवान परमपिता परमात्मा उन्हें सर्वोत्तम। मैंने क्या कहा, मूल जड़ पेड़ और टहनियां मजबूत होनी चाहिए, पत्ते तो आते जाते रहते हैं। हाँ, मूल जड़ मजबूत है, पेड़ मजबूत है, टहनियां मजबूत हैं, पतझड़ है चुनाव का, उसमें पत्ते आते और जाते रहते हैं। हम ज्यादा सीटें हरियाणा में जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी जा रही है, मैं बड़े विश्वास से कह रहा हूँ। बीजेपी की जड़ें उखड़ने वाली हैं हरियाणा, बीजेपी के काम को हम क्यों लेके जाएंगे? इससे पहले जो है हमने खुद काम कर रखे, हमने बीजेपी का क्या लेना है? दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं सर 150 सीट आएगी बीजेपी की, इससे पहले तो कभी इस तरह के कोई बयानबाजी सामने नहीं आती। हाँ तो अब हम विपक्ष की जिम्मेवारी निभा रहे हैं, मैं मानता हूँ 150 से 200 में सिमट जाएगी बीजेपी। अभी मेरी यूपी में कुछ लोगों से बात हुई, यहाँ वेस्टर्न यूपी में साफ हो जाएगी बीजेपी, ऐसे ही हरियाणा के अंदर भी इक्का दुक्का सीट तक सीमित रह जाएगी।